अनहसेओ आर्मी, आप सभी ने सुना होगा नो पेट नो गेन, यानी दोस्तों बिना दर्द के कुछ भी नहीं मिलता। और दोस्तों कभी कभी तो गेन करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पेन सहना पड़ता है। और दोस्तों यही पेन सहना पड़ा था हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम यानी चिन को भी, और जिसके बारे में उन्होंने खुद अपनी आर्मी के साथ शेयर किया था। पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ में दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर कोई भी पर्सनल क्वेरी पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो ज़रूर करें, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी का रिप्लाई जल्द से जल्द कर सकूँ। दोस्तों BTS जब एज ट्रेनीज बिग हिट एंटरटेनमेंट में आए थे तो उन्होंने बहुत ही सारे सेक्रीफाइसेस करे थे दोस्तों, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस था कि उन्हें अपनी फैमिली तक को छोड़ना पड़ा था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे जिन के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या था अपनी फैमिली के बाद? दोस्तों BTS को अपने टफ स्केड्यूल्स की वजह से इतना भी समय नहीं मिलता था कि वो चैन से सो पाए। और दोस्तों ऐसे में हमारे जिन ने रिवील करा कि उन्हें सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब उन्हें अपने दोस्तों को यानी फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ा। दोस्तों जिन ने बताया कि ये चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल थी। दोस्तों दोस्त हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो बचपन से हमारे साथ होते हैं या फिर बड़े होकर हमें मिलते हैं, जिनसे हम अपनी दिल की सभी बातें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ दोस्तों हमारे लिए इतने खास होते हैं कि उनको खोने के बारे में सोचते ही हमें बुरा लगने लग जाता है। और दोस्तों ऐसे में अगर आपको अपने दोस्तों को छोड़ना पड़े अपने करियर के लिए तो आपको कितना दुख होगा ये मैं समझ सकती हूँ। और दोस्तों यही दुख झेलना पड़ा था हमारे प्यारे जिन को। दोस्तों जिन ने रिवील करा कि जब वो BTS में आए थे तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया था, अपने काम को लेकर प्रेशर, अपनी लाइफ को लेकर प्रेशर, अपनी चीज़ों को लेकर प्रेशर, जिसके चलते वो अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि दोस्तों उनका स्केड्यूल इतना बिजी था कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था। दोस्तों हालांकि जिन ने बताया कि वो नेचर से चेंज नहीं हुए थे, उनके लिए उनके दोस्त बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थे, लेकिन अचानक से उनके दोस्त बदल गए। दोस्तों जिन ने बताया कि जैसे ही BTS में जिनको फेम मिलना शुरू हुआ, जिन फेमस होना शुरू हुए, उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि वो जिनके साथ नहीं रहना चाहते। दोस्तों जिन ने बताया कि उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि जिनका लेवल अब बहुत ही ऊंचा हो गया है और उनके दोस्तों को जिनके आसपास रहने में बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपके दोस्त आपसे ऐसे शब्द बोलें तो आपके दिल में कितना दर्द होने वाला है। दोस्तों जिन ने ये भी बताया कि ये बात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सैड थी कि उनकी आंखों के सामने उनके दोस्त उनसे दूर होते हुए चले गए, और इसी तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कीमती लोगों को खो दिया जो उनके बहुत करीब थे, अपने प्यारे दोस्तों को खो दिया जो उनके बहुत ही स्पेशल लोग थे। लेकिन दोस्तों जिन ने ये भी बताया कि उनके मन से कभी भी उनके दोस्त नहीं निकलेंगे, और उन्होंने अपनी तरफ से कभी भी अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी थी, हालांकि वो नहीं जानते कि क्यों उनके दोस्तों को ऐसा लगने लगा कि जिन उनसे बहुत ही बड़े हो चुके हैं, जबकि जिन तो हमेशा उनके प्यारे दोस्त थे। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि जब हमारे खास लोग हमसे दूर होते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, पर उसी समय अगर हमारे पास कोई दूसरे खास लोग होते हैं तो वो हमें हमेशा प्यार करते हैं। और दोस्तों वैसे ही हमारे जिन के पास BTS के मेंबर्स हैं जो उनसे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आर्मी, अगर आपको भी लगता है कि BTS के मेंबर्स जिन के दोस्त बनके हमेशा उनका साथ देंगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।